हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए बहनों, आज हम ब्लाउज की बीक नेक पर बॉट नेक की डिज़ाइन बनाएं। बॉट नेक हम ब्लाउज पे कैसे बनाते हैं और बैक साइड में बॉट नेक प्लस डिज़ाइन, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने ये पेस्टिंग लिया है। और डिज़ाइन के लिए ये हम कपड़ा लेंगे डिज़ाइन के लिए, और इस पर हम सबसे पहले बॉट नेक की कटिंग करते हैं। तो आइए, बॉट नेक के लिए पेस्टिंग पे हम सीधी आपको कटिंग दिखा रहे हैं। ये हमने 6 इंच का शोल्डर ले लिया है, ये हमारे शोल्डर्स होंगे। अब इस तरफ हम 4 इंच की चौड़ाई देंगे बॉट नेक को, और नीचे रखेंगे हम इसको 3.5 इंच। और अब हम यहां से बॉट नेक कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे, ये हमारा बॉट नेक होगा। एक साइड से ये हमारा बॉट नेक हो गया है। अब ये जो सेंटर है, यहाँ से फिर देखिए 4 इंच की दूरी पे, और हम इसको 3.5 इंच की ऊंचाई तक, ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब ये जो साइड है, इस साइड को हम 8 इंच नीचे लेंगे, ये हमारे 8 इंच नीचे साइड हो गई है। और जो हम डिज़ाइन लगाएंगे उसको हमें यहाँ इस सेंटर में मिलाना है, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ से स्टार्ट होंगे इस नोक से, इस प्रकार से। और यहाँ इस सेंटर में मिला देंगे, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसको पहले कागज़ पे या इस प्रकार से रफ कपड़े पे इस प्रकार से मार्किंग करें और डिज़ाइनिंग करें, उसके बाद आप कपड़े पे जो ये डिज़ाइन है आप उसको कागज़ पे बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब हम फिर इसको इसी प्रकार से कटिंग करेंगे। ये हमारा बॉट नेक है, इसको हम पहले डबल कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बॉट नेक कटिंग हो चुका है। अब जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमने पैटर्न तैयार किया है, इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से। और ये यहाँ से इतना, और इसको हम आप कपड़े पे पेस्टिंग करेंगे। ये हमारी डिज़ाइंस हैं और इसको हम इस कपड़े पे पेस्टिंग करेंगे। हल्का सा ये छोटा पड़ रहा है, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ ऐसे एडजस्ट करेंगे, और इसमें जो ये पट्टी है यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे ऊपर में। इस पट्टी को हम यहाँ ऊपर जॉइंट कर देंगे इसमें, और फिर इसको हम पेस्टिंग कर देंगे यहाँ पे। पैटर्न को इस प्रकार आयरन से अटैच कर लें। देखिए ये हमारा जो पैटर्न था, तो इस कपड़े पे इसको हमने जॉइंट कर लिया यहाँ से, ये देखिए जॉइंट किया हुआ है, और इस पे हमने पैटर्न को पेस्टिंग कर लिया है। 1/2 इंच की साइडों में 2 साइडें हैं, तो 1/2 इंच का रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कटिंग करके अलग कर दें। और अब देखिए इसको फोल्ड कर लेते हैं, जो साइडें हैं इनको पेस्टिंग के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से इसको
आप भी फोल्ड कर ले मेरे साथ, आप डिजाइन बना सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी पूरी, यहां से लेकर के और यहां तक इस नोक तक हम इसको पूरा फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कर लिया इस प्रकार से, ब्लाउज के बीच में जो हमारा ब्लाउज का मेन सेंटर है उस पर इस प्रकार से मार्किंग कर लें। और इसी प्रकार से जो पैटर्न है ये इसका जो बीच का मेन सेंटर, ये देखिए ये बीच सेंटर है, तो इस पर इस प्रकार से मार्किंग कर ली हमने। और इसको अब हम सेंटर में लगाएंगे यहाँ, और हल्का सा इसको आप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ तक मिला ले, ये सेंटर में आ रहा है बिल्कुल ओके है। और यहाँ से हम सेंटर से यहाँ तक की कच्ची सिलाई कर रहे हैं। यहीं तक करेंगे बस बिल्कुल, और इसको फिर हटा लेंगे। अब ये जो हमारा नेक है इसको हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे बराबर में पूरी गोल राउंड में। ब्लाउज की ऑफ साइड है और जो हमारी पैस्टिंग है उसकी भी ऑफ साइड है, और इनको स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कट करेंगे। और ये कट लगाने के बाद इसमें भी हम दो चार कट लगाएंगे ऐसे। कट लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से डिज़ाइन बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे। और आप इसको देखिए, मैं अभी आपको आयरन करके बताती हूँ। इसको हल्का सा आयरन आप लगा सकते हैं। ये हमारा इस प्रकार से नेक होगा। पाइपिंग की जैसा इसको बाहर रखते हुए अस्तर वाले पार्ट को, और इस प्रकार से हल्का हल्का हम इसको फोल्ड करेंगे छोटा सा पाइपिंग की तरह बाहर रखेंगे, और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे पूरे नेक की। ये हमारे नेक पे हमने पाइपिंग लगा ली है, देखिए पैटर्न्स पे लगाने के लिए। देखिए इस प्रकार से डोरी एक साइड में स्टिच कर ले, और ये जो डोरी है देखिए हमारे पास ये उरेप कपड़ा है, हमने उरेप कपड़े की डोरी बनाई है, और इसको हम फोल्ड करके सीधा कर रहे हैं। इसको हमने देखिए ये साइड से है हल्का सा आगे से फिनिश कर लेंगे, और इसको हम यहाँ से पक्का करेंगे। और सुई को इस छोर से और यहाँ से एक कोट पे पक्का कर लें, और एक ही साइड से पक्का करिए। देखिए जो गोल राउंड है यहाँ से पक्का कर लिया है, और अब इसके अंदर ऐसे सुई डाल रहे हैं उल्टी सुई लेकर के, और अंदर डालेंगे ऐसे और दूसरे छोर से निकालेंगे। इस छोर से डाल करके और इस छोर से सुई को निकाल लिया है। अब देखिए इस धागे को इस प्रकार से प्रेशर करेंगे, यहाँ से हल्का सा एक कपड़े को नक्शे ऊपर के कपड़े को नाखून से इस प्रकार पकड़ लें, आप घरेलू हैं तो इस प्रकार से हल्का सा अंदर चला जाएगा। फिर ये देखिए अपने आप ये ऐसे अंदर डोरी चली जाएगी अपने आप, और इस प्रकार हल्का धागे को चार भाग में सुई में पिरोए, चार भाग का धागा होना चाहिए, और सिंगल या डबल टूट सकता है धागा अंदर ही, तो इसलिए आप धागे को चार लड़ में बना लें पिरो लें ताकि हमारा जो धागा वो टूटे नहीं, इस प्रकार से बाहर आ जाता है। अब देखिए जो ये हमारा डिज़ाइन है पैटर्न है इसके नीचे इस प्रकार से इसके पास पास में जैसे ये इसकी लाइनिंग है यहाँ पे इसकी हमने मार्किंग कर ली है।
यहाँ तक और इसके बाद में ये यहाँ तक। तो इसको आप गहरा मार्किंग कर लें ताकि जो हम डिज़ाइन लगाएं तो ये लाइनिंग होगी तो हम आराम से ऐसे लगा पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये पैटर्न कटिंग किया है और इसको हम ऐसे डबल करेंगे, डबल करके और एक एक ऐसे स्टिच करेंगे, इतना हम बाहर रखेंगे और इतना इस पैटर्न के ऐसे अंदर लगाएंगे ऐसे। इंची टेप से नाप करके दो दो इंच की, ये देखिए 2 इंच की, और इस प्रकार से आप कटिंग कर लें डोरी की, दो दो इंच के टुकड़े बना लें। डोरी लेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ लगाएंगे जैसे हमने मार्किंग की हुई है, और जितनी हमें डोरी बाहर रखनी है आधा इंच की उतनी हम बाहर रखेंगे। फिर डोरी लेंगे, इसको डबल करेंगे और इस प्रकार से आधा आधा इंच की दूरी से लगाते जाएंगे। जैसे इस तरफ हमने ये डोरी लगाई है उसी प्रकार इस तरफ भी हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके और इस पूरी लाइन पे भी हम ये डोरियाँ इस प्रकार चिपकाएंगे आधा आधा इंच की दूरी से, और हम इस प्रकार से इसको सेटिंग करते जाएंगे। आधा आधा इंच की दूरी से आप इसको लगाते जाएं, और आप इसको कच्चे फरमे पे या कच्चे जो पेपर पे भी लगा करके इस प्रकार के डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सीखने के लिए देखिए आप कुछ भी किसी भी चीज़ पे आप इसको सीख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर पैटर्न बनने वाला है और इजीली है, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें हमने, और बोट ने काकर का इसको डिज़ाइनिंग किया है और इसमें इस प्रकार से ये डोरियाँ सेटिंग की हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा अटैच कर लिया है और ये हमारी टोटल हो चुका है डोरी का डिज़ाइन, और अब हम इसमें डोरी, ये डोरी है और इसको यहाँ पे सुई से थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम इसमें अब सुई डालेंगे और सुई से हम इसको डोरी को आसानी से डाल देंगे इसमें। देखिए ये जो सुई की नोक होती है और इसे एक एक के अंदर ये आसानी से चली जाती है धागे से। इस प्रकार से हम सारी जो है इसमें से हम ऐसे निकालेंगे धागे से, धागे की सहायता से ये बहुत अच्छे से निकल जाती है, और इसको हम इस प्रकार से हल्का सा इसी प्रकार से हमें एक एक और इसमें से निकालनी है डोरी को, धागे को इस प्रकार से आगे से आगे डालते जाएं। और ये जैसे देखिए इसको धागे को यहाँ से खींचिए और इसको हल्का से ऐसे पुश कीजिए, ये देखिए, और बहुत आसानी से ये ऐसे निकल जाती है डोरी, और ये इसमें और फिर ये इसमें और फिर ये इसमें, इस प्रकार से ये डोरी को हम खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से हम सुई को ऐसे आगे वाले में निकालेंगे। यहाँ पे हम इस पैटर्न को लगाएंगे, ये पैटर्न अभी हमने आपको बना करके दिखाया है, और इस पैटर्न की आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी इसी डिस्क्रिप्शन में, जो हमने लटकन की जो वीडियो बनाई है उसमें आपको ये पैटर्न मिलेगा। और इस पैटर्न को हम यहाँ लगाएंगे, ये हमारा पैटर्न यहाँ अटैच हो जाएगा, और इसके बाद इस डोरी को हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें से और ऊपर तक ले जाएंगे। इनमें से ऐसे निकाल करके देखिए बहुत ही आसानी से वैसे निकल जाती है ये डोरी। इसको पकड़ेंगे और फिर इसको पकड़ करके ऐसे खींचेंगे और फिर इसको पकड़ करके ऐसे, इस प्रकार से ये डोरी अंदर चली जाती है, और इस पैटर्न को हम यहाँ पे लगाएंगे, अटैच करेंगे।
डोरी हमने पूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा डोरी उसको कट करके हम अलग कर देंगे, और यहाँ हम इसको शोल्डर के साथ में ये स्टिच हो जाएगी। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 3 बटन लगाए हैं, आप यहाँ पे कोई से भी बटन लगा सकते हैं, और इस बटन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। और आपको ये हमारी डिज़ाइंस कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट अवश्य करें।